एक दिन जीवा का एक मुंबई के फ्लैट में मर्डर हो जाता है। जब उसकी वाइफ मायरा वहां पर पहुंचती है, वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी वह बिना किसी देरी के वहां पर पुलिस को बुला लेती है। जब पुलिस वहां पर आती है तो उनकी वाइफ मायरा से पूछती है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब आपने इनकी डेड बॉडी को पहली बार देखा था, तब आपने यहाँ पर क्या देखा था? तो वो कहती है कि यहाँ पर मैंने उनकी डेड बॉडी के नीचे एक शूज़ देखा था और एक ग्लव्स देखे थे। फिर पुलिस पूछती है मायरा से कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको किन किन लोगों पर शक है? तो वह कहती है कि मुझे अपने 3 पड़ोसियों पर शक है। पहला बुद्धदेव, दूसरा सबीना और तीसरा ये राठी। इस राठी ने तो हमारे सर में दर्द कर रखा है। तभी लिटिल सिंगम तीनों को बुला लेते हैं और तीनों से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वह पूछते हैं बुद्धदेव से, तो बुद्धदेव कहते हैं, अरे सर, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो अपने ऑफिस का काम कर रहा था। फिर वह पूछते हैं सबीना से, तो सबीना कहती है, अरे सर, मेरे को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बच्चों के मिड टर्म के पेपर चेक कर रही थी क्योंकि मैं टीचर हूँ। और फिर वह पूछते हैं आखिरी में राठी सर से, तो राठी सर कहते हैं कि ये बहुत गलत बात है कि मायरा मेरे को राठी कहकर बुला रही है, ना कि राठी सर, पहली बात। और दूसरी बात कि भाई प्रिंसिपल है हम, और प्रिंसिपल मर्डर कभी नहीं कर सकता क्योंकि प्रिंसिपल को बहुत ही काम होते हैं, और जीवा मेरा एक स्टूडेंट था, भला मैं उसका मर्डर क्यों करूँगा। वे तीनों की बातें ध्यान से सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाती कि मर्डर कौन कर सकता है। लेकिन फिर पुलिस को एक मस्त वाला आइडिया आता है और वह तीनों को एक ब्लैंक पेपर देते हैं और बोलते हैं कि आप इस पर कुछ लिखिए। फिर वह तीनों उस पेपर पर बैठकर कुछ लिखते हैं और जैसे ही वो लिखना शुरू करते हैं तभी पुलिस समझ जाती है कि मर्डर किसने करा है। क्या दोस्तों, आपको समझ आया मर्डर किसने करा है? अगर हाँ तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं तो आपके पास 10 सेकंड है, ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज करें। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं क्योंकि क्ल्यू वीडियो में ही छुपा हुआ है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जीवा का मर्डर कौन कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपने देखा हो तो जहाँ पर जीवा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसके ही नीचे एक शूज़ पड़ा हुआ था और एक लेफ्ट ग्लव्स पड़ा हुआ था, यानी वह दोनों चीज़ें लेफ्टी थीं। और जहाँ तक हमने देखा कि राठी सरी उन तीनों में से लेफ्टी थे, तो इससे साफ हो जाता है कि राठी सर ने बहुत ही चलाकी से जीवा का मर्डर कराए। तो दोस्तों इस मज़ेदार पहेली के लिए अभी की अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों क्या आप मेरे को बता सकते हैं यहाँ पर देखकर कि एक तरफ है सायरा, दूसरी तरफ है मायरा, ये दोनों घर पर अकेली रहती हैं, लेकिन इनमें से किसी एक का बॉयफ्रेंड है। तो क्या आप मेरे को यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका बॉयफ्रेंड है? ध्यान से सोचिए और बताइए। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि सायरा और मायरा अपने घर पर अकेली रहती हैं, तो अगर हम सबसे पहले देखें सायरा के बाथरूम को, तो सायरा के बाथरूम में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमें पता चले कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी तरफ देखें, मायरा के बाथरूम में 2 टूथब्रश पड़े हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इससे ही पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड है जो कि उसके साथ रहता है। तो दोस्तों ऐसी और मज़ेदार पहेलियों के लिए अभी की अभी लॉजिकल गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी चैनल की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए।